हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल बातें में। तो आज का हमारा टॉपिक है डीजीपे एरर। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा डीजीपे ओपन करते हुए आपको कुछ इस तरह का एरर आ रहा है और आप डीजीपे ओपन नहीं कर पा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि हम आपको स्टेप बाई स्टेप सारी बातें बताने वाले हैं कि इस एरर को कैसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते और शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाते रहते हैं सीएससी बैंकिंग और सर्विस से रिलेटेड वीडियो। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं, चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ और देखते हैं कि डीजीपे एरर कैसे सॉल्व करते हैं। तो सिंपल से अपने लैपटॉप स्क्रीन पर आ जाना है। पहले देख लेते हैं कि डीजीपे ओपन करने के बाद हमको क्या क्या एरर आती है। तो सिंपल से हम पहले डीजीपे ओपन करते हैं और देखते हैं क्या एरर आता है। देखिए हमको फिर से वही एरर आ रहा है, तो सिंपल से हम इसको अब सॉल्व करने वाले हैं। तो सिंपल से आपको कुछ नहीं करना है, इसको ओके करके कट कर दीजिए। ओके करके कट करने के बाद सिंपल से आपको, चलिए हम उस एरर को सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, कंप्यूटर के अपना कंट्रोल पैनल में चले आना है। कंट्रोल पैनल में आने के लिए आपको सर्च बार में जाना है, यहाँ पे सर्च करना है कंट्रोल पैनल। कंट्रोल पैनल का सर्च करते ही आपको कुछ इस तरह का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से हमारा ऊपरी कंट्रोल पैनल है तो हम सर्च नहीं कर रहे। सिंपल से आपको कुछ इस तरह का कंट्रोल पैनल का आइकन देखने को मिल जाएगा। सिंपल से आपको कंट्रोल पैनल ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा प्रोग्राम ए अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम। तो सिंपल से आपको अनइंस्टॉल ए प्रोग्राम पर क्लिक करना है और उसके अंदर जाना है। उसके अंदर जाते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको इसमें डीजीपे ढूंढ लेना है कि डीजीपे कहाँ है। तो सिंपल से आपको डीजीपे ढूंढना है और डीजीपे को यहाँ से अनइंस्टॉल कर देना है। डीजीपे अनइंस्टॉल करने के बाद आपको इसको रिफ्रेश मार देना और सिंपल से आपको यहाँ पे बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको सिंपल से कुछ नहीं करना है, अपने कंप्यूटर के किसी भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद आपको सर्च बार में लिखना है डीजीपे। डीजीपे डाउनलोड लिखने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को आपको मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको फर्स्ट साइट मिल जाएगा डाउनलोड डीजीपे सीएससी क्लाउड .in। सिंपल से आपको वो साइट ओपन कर लेना है। साइट ओपन करने के बाद आपको कुछ समय लेगा साइट ओपन होने में, तो सिंपल से आपको यहाँ पे कुछ देर वेट कर लेना है। तो कुछ देर वेट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको डाउनलोड डीजीपे आपको तीन वर्जन में मिल जाता है। नंबर वन डीजीपे फॉर विंडो के लिए, नंबर टू एंड्रॉयड के लिए, नंबर थ्री डायरेक्ट एपीके एंड्रॉयड के लिए मिल जाता है। तो सिंपल से आपको विंडो के लिए इंस्टॉल करना है, तो सिंपल से आपको डीजीपे फॉर विंडो पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस तरह का डाउनलोड होकर आ जाएगा। चलते हैं हम अपने फाइल में जहाँ पर हम डाउनलोड किए हैं। डाउनलोड करने के बाद आपका अपने फाइल में आ जाना। फाइल में आप जहाँ पे डाउनलोड किए हैं सिंपल से आपको वहाँ पे ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने को मिल जाएगा जो आपको जिप फाइल में रहेगा। तो इसको एक्सट्रैक्ट करके हम अनजिप कर लेते हैं। तो सिंपल से आपको यहाँ पे इसको एक्सट्रैक्ट करना है, तो ऑल एक्सट्रैक्ट करना है। सिंपल से आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है जहाँ पे, मतलब कि एक्सट्रैक्ट करके आप इसको डालना चाहते हैं जहाँ पे इसका पाथ चूज कीजिएगा। आपको सिंपल से वहाँ पे आपको चूज कर लेना है और सिंपल से सेलेक्ट फोल्डर पे सेलेक्ट करके आपको यहाँ से ऑल एक्सट्रैक्ट, यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर देना है। एक्सट्रैक्ट करने में कुछ समय लगेगा। सिंपल से आपको, सिंपल से फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको यह फाइल ओपन करना है। तो सिंपल से आपको इस तरह का आइकन देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको इसको ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा स्मार्ट स्क्रीन कैन बी रीच राइट नाउ। तो यहाँ पे आपको रन पे क्लिक कर देना है। रन पे क्लिक करते ही आपका डीजीपे इंस्टॉल होने प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल से आपको इंस्टॉल होना प्रोसेस हो जाएगा। तो सिंपल से आपको यहाँ पे ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो सिंपल से आपको यस करना है। यस करने के बाद कुछ आपको एग्रीमेंट साइन करने के लिए यहाँ पे बोलेगा, तो आई एक्सेप्ट द एग्रीमेंट पर क्लिक करना है यहाँ, और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद आपको इस तरह का इंटरफेस करना है। तो कुछ नहीं आपको करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे फिर से नेक्स्ट कर देना है। फिर से यहाँ पे आपको यह
इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। तो आपको यहाँ पे भी कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको यहाँ पे भी नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जाएगा कि आप डेस्कटॉप पर फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो यहाँ पे आप अलाउ कर दीजिए और सिंपल से यहाँ पे नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट करने के बाद आपको सिंपल से इंस्टॉल करने के लिए बोलेगा, तो सिंपल से आपको इंस्टॉल पर क्लिक करना है। इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आपका फाइल यहाँ पे इंस्टॉल होने लगेगा। इंस्टॉल होने में थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको। सिंपल से यह फाइल पूरा इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद आपको सिंपल से यह कंप्लीट द डीजीपी सेटअप आ जाएगा, यहाँ पे लॉन्च डीजीपी आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको सिंपल से फिनिश कर देना है। फिनिश करते ही आपका डीजीपी इंस्टॉल हो जाएगा और यहाँ से आपको कुछ इस तरह का फाइल इंस्टॉल होकर आ जाएगा। इसका रजिस्ट्रेशन करके देख लेते हैं। सिंपल से आपको यह फाइल ओपन करना है। ओपन करने के बाद यहाँ से आपको सी एस सी आई डी पूछा जाएगा, तो सिंपल से आपको यहाँ पे सी एस सी आई डी फिल कर देना है। सी एस सी आई डी फिल करने के बाद यहाँ पे चेकबॉक्स में चीज लगा देना है और यहाँ से आपको प्रोसीड करना है। और एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि मॉर्फो डिवाइस आपके डिवाइस से कनेक्ट होना चाहिए, तभी डीजी पे यहाँ पे ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे प्रोसीड करने के बाद कुछ टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिल जाएगा, जैसे कि गेट ओटीपी रजिस्टर मोबाइल नंबर, गेट ओटीपी ईमेल ईमेल और गेट ओटीपी रजिस्टर एंड मेल दोनों। तो यहाँ पे आपको जो सुविधा है, आप यहाँ से सिंपल से जियो मोबाइल सी एस सी रजिस्ट्रेशन के टाइम दिए थे वहाँ पे आपका ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे आपको जनरेट ओटीपी पर क्लिक करना है। जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते ही आपके मोबाइल नंबर पे ओटीपी सेंड कर दिया जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे आपको ओटीपी फिल कर देना है। यहाँ से ओटीपी फिल करने के बाद वैलिड ओटीपी पे क्लिक करना है और यहाँ पे फिर से आपको डिक्लेरेशन पर क्लिक करना है, ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करते ही आपके मॉर्फो में लाइट जल जाएगा, आपको सिंपल से वहाँ पे अपना फिंगरप्रिंट कैच कर लेना है। फिंगरप्रिंट कैच करते ही आपका डीजीपे आईडी लॉगिन हो जाएगा और कुछ इस तरह से आप डीजीपे देख सकते हैं। हमारा न्यू डीजीपे का इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को आपको मिल जाएगा। तो सिंपल से यहाँ पे आप फिर से कोई काम कर सकते हैं, जैसे कि आप पैसा निकाल सकते हैं, मिनी स्टेटमेंट कर सकते हैं, वैलेट में पैसा पे आउट कर सकते हैं, पासबुक यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लॉग इन देख सकते हैं। तो यहाँ पे डीजीपे का डैशबोर्ड कुछ इस तरह का, न्यू डीजीपे का डैशबोर्ड देखने को मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से आप डीजीपे का प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डीजीपे के लिए और ऑल इन वन मॉर्फो सर्विस कैसे इंस्टॉल करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिएगा।